हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो पे आपको सिखाने वाला हूँ शेडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पेंसिल हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपल ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है आर्टलाइन का पेंसिल, आप कोई भी ग्रेफाइट पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आर्टलाइन ही यूज करना पड़ेगा। जो भी आपके पास है ग्रेफाइट पेंसिल वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉट पर शेड करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एक 2B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम यहाँ पर लेयर बनाएंगे, पहले एकदम लाइट करके हम लेयर करेंगे, पूरा जो ड्राइंग है उसको हम 2B पेंसिल से हम शेड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम शेड करना पड़ेगा। बहुत सारे जो आर्टिस्ट है वो उल्टा पुल्टा करके घिसा पिसा करके एकदम गंदा कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन पे कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन पे कर रहा हूँ आपको पूरा ड्राइंग इसी तरह से करना है। और इसी तरह से हम पहले 2B पेंसिल से पहला लेयर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरा लेयर बनाएंगे जो कि हम थोड़ा सा डार्क करके बनाएंगे। ये जो ये पार्ट है यहाँ पर हम डार्क करके शेड करेंगे और जो ये पार्ट है यहाँ पर हम लाइट करके शेड करेंगे। जो रोशनी है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो इसीलिए जो यहाँ पर राइट साइड होगा वहाँ पर डार्क करके हम शेड करेंगे। तो शेडिंग के लिए यहाँ पर मैं एक 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी पेंसिल 3B हो या फिर 5B, कोई भी पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6B का इस्तेमाल आप अभी मत कीजिएगा, 6B का इस्तेमाल हम इसके बाद में करेंगे। तो पहले हम कोई भी एक 4B या फिर 3B पेंसिल से हम इसको शेड करेंगे और सेम डायरेक्शन पे करेंगे जिस तरह से हमने पहले लेयर पे किया था 2B पेंसिल से, उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे सेम डायरेक्शन पे। और यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6B पेंसिल से हम और थोड़ा सा डार्क करेंगे। और बीच बीच में शार्प करना ना भूलेगा, अगर आपके पेंसिल शार्प नहीं होगा तो अच्छे से शेडिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपका जो पेंसिल है उसको शार्प करके पॉइंट कर लेना। तो बैक टू द ड्रॉइंग, इस साइड भी हम फटाफट शेड कर लेंगे 6B पेंसिल से। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो मतलब वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लेंड करेंगे। मैं एक यहाँ पर मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एकदम ऑप्शनल है, आप नहीं भी कर भी सकते लेकिन जो एक आर्ट में इसका ब्लेंडिंग करके शेडिंग नहीं करते लेकिन देखने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत कीजिए, अगर है तो आप कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना जो फिंगर है उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा, ये मेथड नहीं है शेडिंग का, लेकिन देखने के लिए अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कर दूँगा। फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेड करूँगा, मैं एक 4B पेंसिल से शेड करूँगा। यहाँ पर आपको बस इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर ज़्यादा डार्क होगा, कहाँ पर लाइट होगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर शेड करना पड़ेगा। और हमेशा की तरह एक ही डायरेक्शन पे आपको करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर आप दूसरे साइड से भी आप कर सकते हो, जो कि क्रॉस हैचिंग बोलते हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग भी कर दूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग करूँगा,
अगर आपको नहीं पता है कि क्रॉस हैचिंग क्या होता है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बहुत टाइप का शेडिंग होता है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप एक बार देख लेना ताकि अच्छे से आपको समझ में आए क्रॉस हैचिंग क्या है, स्क्रिबलिंग क्या है, हैचिंग क्या है, शेड क्या है, आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा मैं क्रॉस हैचिंग भी कर दूँगा। अभी जो बाहर निकल गए हैं उसको मैं इरेज करूंगा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट बनाऊंगा। हाईलाइट हम किस तरह से बनाएंगे, बस थोड़ा सा हम इरेज कर देंगे, ये हो गया हाईलाइट। उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा शेड करके हम नीट एंड क्लीन बनाएंगे। बस यही टेक्निक है, इसी टेक्निक से आप जितना हो सके उतना स्टिल लाइफ शेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।